दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइनरी डिजिट को कैसे जोड़ते हैं, यानी एडिशन ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी डिजिट को कैसे जोड़ते हैं ये बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 101101, तो इसे कैसे ऐड करेंगे 100 और 101 को। तो यहाँ पर बाइनरी डिजिट में 1 + 1 होता है 10। जब भी कभी मैं 1 + 1 करूँगा तो इसका आंसर होता है 1, 10, और 10 का 0 लिखा जाता है और 1 जो है वो कैरी हो जाता है, ये कैरी हो जाता है यानी हासिल कैरी हो जाता है और ये 0 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 और 1 10, 10 का 0 आ जाएगा और कैरी इसमें ऐड करेंगे इसका बचा हुआ, तो ये 1 और 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 1 और 1 10, 10 का 0 आ जाएगा और कैरी एक इसको दे देंगे 1 और ये 1, फिर 10 हो गया, 10 का फिर 0 आ जाएगा, फिर कैरी इसको देंगे 1 और 0 1 1 और 0 1 होता है और 1 1 10 होता है, तो यहाँ पर अब 10 पूरा आ जाएगा। इस तरह से हम इसे ऐड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 0 और 1 1 ही होगा, 0 और 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है और 0 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा और 1 1 10 होगा। ये यहाँ पर पूरा 10 लिख दिया जाएगा इस तरह से। तो इसे कहते हैं बाइनरी वैल्यू, इसे कहते हैं बाइनरी बाइनरी वैल्यू, इसे कहते हैं बाइनरी वैल्यू, यानी ये भी बाइनरी वैल्यू है। इसको कैसे ऐड करेंगे, 1 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, कैरी 1 इसमें ऐड करेंगे 1 और ये 1, तो 10 हो जाएगा, 10 का फिर से 0 हो जाएगा, फिर कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 और 1, तो ये हो जाएगा 11। 1 1 10 और 1 11, 11 का आ जाएगा 1 और 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और 1 0 1 हो गया, 1 0 फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, यानी ये बाइनरी वैल्यू आ गई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को ऐड करेंगे 1 1 10, 10 का 0, यानी 1 और 1 10 होता है, 10 का 0 1 कैरी लिखेंगे यहाँ पे, 1 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 1 1 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा और 1 कैरी होगा, यहाँ पर 1 0 1 आ जाएगा और 1 0 1 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा और 0 और ये 0 और ये 1, ये इसका बाइनरी वैल्यू है, यानी ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे ऐड करेंगे 1 1 10 10 का 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 10 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 1 हो जाएगा और 1 0 1 ही रहेगा, 1 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा 10 लिख लेंगे क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। तो इस तरह से हम इसे ऐड करते हैं, तो ये इसका बाइनरी वैल्यू हो गया है, यानी ये इसकी बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू। अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि हम इसका डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये तो बाइनरी वैल्यू है, अगर इसी डिजिट की, इस क्वेश्चन की मुझे डेसिमल वैल्यू पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल वैल्यू के लिए इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 1 0 1, फिर यहाँ पर मुझे डेसिमल वैल्यू फाइंड करना है तो पहले ऐसे लिखेंगे 1 × 2 2 की पावर 0, फिर 0 लिखेंगे यहाँ पर × 2 2 की पावर 1, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 × 2 की पावर 2,
फिर यहाँ पर वन है तो 1 × 2³ ये लिखेंगे। अब ये आ जाएगा यहाँ पर 1 × 2⁰, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और 0·1 ये 0 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 होता है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2³ = 8 होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 2, 4 × 2 = 8, तो ये 1, 4 और 8 ये आ जाएगा 1, 4, 5 और 8, 13, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13। ऐसे ही हम इसकी भी अब डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम डेसिमल वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे 1001, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 × 2⁰, फिर दूसरा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 × 2⁰, फिर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 × 2⁰, फिर 1 है 1 × 2³, तो ये हो जाएगा 2³, 8, और ये हो जाएगा 1, ये तो 0, 0 है तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐड करने पर 9 आ जाएगा, तो ये 13 और ये 9 इनको ऐड कर लेंगे, तो 13 और 9 ये आ जाएगा 22, तो ये इसका डेसिमल वैल्यू आ गया है, डेसिमल वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।